गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से आपको मैथ्स के संख्या पद्धति लेसन के अभ्यास 1.3 को बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें फर्स्ट है 36/100, तो इसका हल निकालेंगे। तो ये सिंपल भिन्न है, नीचे दो जीरो हैं, इन दो जीरो को हटाएंगे तो दो स्थान पहले यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और ये दो जीरो हट जाएगा, तो दशमलव 3-6 के बाद कोई संख्या नहीं आ रही, कोई शेषफल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। आंसर में आप लिखेंगी प्रसार इसका शांत है। नेक्स्ट है 1/11, ये फर्स्ट था। नेक्स्ट है 1/11 सेकेंड, तो इसको हम भाग विधि के द्वारा हल करके देखेंगे। भाग विधि आप लोग जानते ही हैं, ये हर है और ये अंश है, हर बड़ा है अंश छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दशमलव लगा के एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगा के फिर एक जीरो लगाएंगे। 11/9 क्या होता है, 99। अब यहां से एक कैरी किया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0। अब फिर हम एक जीरो लगा के यहाँ पे लगाएंगे और एक और जीरो बढ़ाएंगे जैसे पहले बढ़ाया था। अब फिर से 11/9 99 एक कैरी करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0। फिर हम निकालेंगे दो, एक जीरो बढ़ा के 11/9 99 करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिपीट होता चला जा रहा है, यानी 1/11 जो है उसका मान आ रहा है 0.09909, ये आता चला जा रहा है। तो क्योंकि 09 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब है कि इसके आगे 09909 आता जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, आंसर में लिखेंगे अशांत और आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत, क्योंकि इसमें शेषफल बच रहा है एक, इसलिए ये अशांत, और ये रिपीट हो रहा है इसलिए आवर्ती। तो अशांत और आवर्ती है। नेक्स्ट आता है आपका 4/1/8, तीसरा है 4/1/8। तो पहले तो हम इसको भिन्न में बदलेंगे, 8 + 32 और 1 = 33, ये आ जाएगा 33/8। फिर इसको हम भाग विधि के द्वारा हल करेंगे। भाग विधि द्वारा हल करेंगे तो ऊपर 33 है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। 8 का आप टेबल जानते हैं, 8 + 32 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 32 माइनस किया तो 3 में से 2 गया 1 आया। अब डेसिमल लगा के हम 0 लगाएंगे, 8 × 1 = 8, 10 में से 8 गया 2, फिर उसके बाद 0 बढ़ा लेंगे, 8 × 2 = 16, फिर यहाँ 4 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 × 5 = 40, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका आंसर आपका आया भाग देने के बाद 33/8 का 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार पहले वाले की तरह से शांत है। आंसर में क्या लिखें, क्योंकि कोई शेषफल नहीं बचा है, शेषफल 0 आया है, तो इसका प्रसार कैसा है, शांत है। बच्चों इसके बाद 3/13, 2/11, 329/400, ये आप अपने होमवर्क में करिएगा, और ना समझ में आए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसका हल आपको बताऊंगी, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा।